झील जैसे द्वारका वासियों के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है ये भव्य द्वारकाधीश मंदिर। ये जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वारका की बाकी सभी इमारतों से ऊंचा उठता है। यूं तो इस मंदिर की स्थापना की कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं मिली है, पर प्रमाणों के अनुसार हजारों सालों में मंदिर ने कई आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे हैं। 8वीं सदी के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद इसकी देखरेख राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इसे तोड़ दिया। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के तहत इसे बड़ी हानि पहुंची, पर 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ इसकी मरम्मत भी करवाई। 1960 में इस मंदिर को द्वारकाधीश टेंपल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सौंप दिया गया, पर कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना यह प्राचीन मंदिर नागरा वास्तुकला शैली का बेजोड़ उदाहरण है। इसमें 5 मंजिलें और 60 स्तंभ हैं। इसका शिखर करीब 38 मीटर ऊंचा है और मंदिर की दीवारों पर बनी हैं देवी देवता और पशु पक्षियों की कलाकृतियां। इस भव्य राजसी मंदिर के अंदर विराजित द्वारकाधीश की प्रतिमा को द्वारकावासी किसी राजा की तरह ही पूजते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की अपनी दिनचर्या है, सब कुछ समय अनुसार होता है। जो मंदिर के देवता होते हैं उन्हें स्वरूप माना जाता है, तो उन्हें मूर्ति नहीं माना जाता। मनुष्य जैसे हाव भाव करते हैं जो मंदिर के देवता हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिरों के जो रिचुअल्स हैं इससे लोगों को सीख मिलती थी कि देखो ऐसे उठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। हर रोज द्वारकाधीश को 11 बार भोग लगाया जाता है और 4 बार उनकी आरती होती है। सुबह मंगला आरती से द्वारकाधीश को जगाया जाता है, श्रृंगार आरती में सजाया जाता है। दोपहर के विश्राम के बाद शाम को संध्या आरती होती है और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है। सुबह की मंगला आरती के बाद भगवान कृष्ण जाग गए हैं, उन्हें 2 भोग लग चुके हैं और उनके दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। द्वारका की गलियों में तुलसी माला बेचने वालों की भीड़ लगी है। कृष्ण की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि तुलसी कृष्ण की पत्नी होने के साथ साथ प्रेम का प्रतीक है। हरे कृष्णा।